सच, साहस, सरोकार। मायावती के 67वां जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे कार्यकर्ता, केक काट कर मनाया गया जन्मदिवस। बीजेपी किसान मोर्चा ने आयोजित की बैठक, कार्यक्रम में सरकार की गिनाई उपलब्धियां। नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल, कार्यक्रम के दौरान कहा, पिछले 5 सालों में देवरिया का हुआ संपूर्ण विकास। उचाहार तहसील की सरकारी जमीन को दबंगों से कराया गया मुक्त, प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम तहसीलदार ने की कार्यवाही। भाजपा के जिला कार्यालय पर लोकसभा क्षेत्र की दूसरी बैठक, भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। संभल में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर लोकसभा क्षेत्र की दूसरी बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर की गई। बैठक में लोकसभा प्रभारी राकेश सिंह ने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। इस बार भी लोकसभा चुनाव में सभी को अपनी पूर्ण निष्ठा से कार्य करना होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी सतपाल सैनी ने कहा कि हमें लोकसभा जीतने के लिए बूथ स्तर पर अपने आप को ले जाना होगा, और उन्होंने कहा कि इस बार हमें उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त करनी होगी। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। बांदा में मायावती का 67वां जन्मदिन मनाया गया। मायावती के जन्मदिन को बसपा के कार्यकर्ता जन कल्याणकारी के दिवस के रूप में प्रदेश में मना रहे हैं। इसी क्रम में बांदा शहर के बाबूलाल चौराहा रायफल क्लब मैदान में उसी रूप में उनका जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बसपा पदाधिकारी और मुख्य अतिथि ने महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि बलदेव प्रसाद का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने मायावती के जन्मदिन पर केक काटकर उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। देवरिया में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा सरकार की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुरेंद्र चौरसिया उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के लिए हर सुविधा मुहैया करा रही है। सरकार गांव में रहने वाले किसानों के लिए हर घर नल से माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए पानी की टंकी बनवा रही है। सरकार ने किसान परिवार की महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस दिए हैं। महिलाओं के मान सम्मान के लिए गाँव के हर घर को इज्जत और घर दिया है। मोदी सरकार ने भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटा अनाज के प्रयोग पर जोर दिया है। मोटा अनाज को उगाकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। देवरिया में नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने शहरों के साथ साथ गांवों में भी विकास किया है, एक नया कीर्तिमान भी बनाया है। भाजपा की सरकार में पिछले 5 सालों में स्वच्छ भारत मिशन नगरी योजना के तहत नगर पालिका देवरिया में 14 सार्वजनिक शौचालय, महिलाओं के लिए 4 पिंक शौचालय और अनुदान राशि देकर व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराकर नगर को ODF बनाया है। इस दौरान किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष पवन कुमार मिश्र, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा अंबिकेश पांडे समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे।
कानपुर में गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ के केंद्र कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री सुनील शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि गौ रक्षा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में गौ हत्या का विरोध करना और उनकी रक्षा करना है। अन्य 22 राज्यों में गौ रक्षा संघ में 1.25 लाख से ज्यादा गौ रक्षक संघ से जुड़ चुके हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल, भूटान और अमेरिका में भी गौ सेवा के उद्देश्य से गौ रक्षक जुड़े हैं, जो गौ सेवा संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ महामंत्री प्रचारक और डॉक्टर इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ न्यास की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। भारत सरकार से भी आने वाले समय में इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन का जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। और गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए, ताकि गाय का पूरे देश भर के अंदर एक समान कानून लागू हो। आज बहुत सारी जगह गाय के लिए गौ तस्करी, गौ कसी वगैरह में पाबंदियां हैं, लेकिन कुछ राज्यों में उसमें बहुत ढील है, छूट है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। वाहिनी गौ सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आदरणीय इंद्रेश जी के सानिध्य में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीव सेंगर के सानिध्य में दिशा निर्देशन में हम कार्यरत हैं। अभी तक प्रदेश में 75 जिलों में, लगभग 60 जिलों में हमारी कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। सबसे अच्छा काम चल रहा हमारा पूर्वांचल में, सुल्तानपुर से लेके औरैया के कई मकानों में फर्श और दीवारों में दरारें देखने की जानी घटना सामने आ रही है। मकानों में दरारें आने से लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। इन मकानों के पास रहने वाले भी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। लोगों की माने तो नगर पालिका परिषद औरैया को मकानों में आई दरारें को लेकर जानकारी दी गई है। वहीं मकानों में आई दरारों के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल जिन मकानों में दरारें आई हैं वहाँ के लोग बाहर ठिकाना ढूंढने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं ऋषि तिवारी। आज हम आपको दिखाएंगे कि जोशी मठ के बाद औरैया में भी दर्जनों मकानों में आई दरारें, उन मकानों के फर्श भी धसे नजर आए, मकानों में लोग भयजदा दिखे। वहीं जिला प्रशासन से रह रहे लोगों ने मांग की कि उन्हें सरकार से मदद दिलाई जाए, जिससे वह इन मकानों को पुनः बना सकें। ऋषि तिवारी, प्राइम टीवी, औरैया। रायबरेली में मकर संक्रांति के अवसर पर डलमऊ गंगा घाट पर रात ही गंगा स्नान करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तगण रात से ही गंगा घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीओ महिपाल पाठक, नायब तहसीलदार डलमऊ कोतवाल और लालगंज कोतवाल सहित पुलिस बल पहुंचकर घाटों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। तीन चक्रों में ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि जलपुर नहाते समय के लिए नाव से ड्यूटी लगाई गई है, मंदिर पर है वहाँ पर ड्यूटी लगाई है, मेला में जो श्रद्धालु आ रहे हैं सकुशल अपनी ड्यूटी है, सकुशल अपना स्नान करें और अपने घरों को जाएं, इसके लिए अलग से ड्यूटी लगाई गई है। महिला कांस्टेबल की अलग से ड्यूटी लगाई है, ड्यूटी बहुत ही चुस्त और दुरुस्त लगाई गई है। औरैया में सड़क सुरक्षा माह को लेकर शासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, जहां लोग सुरक्षित रहकर अपनी यात्रा कर सके और दुर्घटनाओं से बचे। अभियान के तहत अधिकारियों द्वारा औरैया सदर में एक दो पहिया वाहनों की रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया गया। इस रैली में सबसे ज्यादा लड़कियों ने भाग लिया। इस दौरान यातायात डिप्टी SP सुरेंद्र नाथ ने लोगों को जागरूक किया। शासन की मंशा के अनुसार और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिससे लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना सीखे। करने के लिए सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो 5 जनवरी से चल करके 4 फरवरी तक चलेगा। इसी के क्रम में आज औरैया में बालिकाओं का साइकिल और स्कूटी रैली का आयोजन किया जा रहा है,
जिससे लोग जो है सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना सीखें और इसके बारे में सेंसिटाइज। सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाने का मेन उद्देश्य है इसका, और जो बच्चियाँ यहाँ शामिल हुई हैं उन वो भी जागरूक हैं, तभी वो शामिल हुई हैं और अपने परिवार में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। हमारा मकसद ये है कि दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए, जिससे जो मरने वाले लोग हैं उन्हें। ये रैली कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ समाप्त होगी? तिलक स्टेडियम से प्रारंभ होकर जनपद अररिया के मेन। खबर औरैया से है, जहां किसान आवारा पशुओं से परेशान तो हैं ही, वहां के गांव से होकर गुजर रही नहर की ठंडी कटने से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई, जिसमें गेहूं आलू जैसी तमाम फसलें नष्ट हो गई। घटना की जानकारी पहुंचे उच्च अधिकारियों ने तत्काल जेसीबी और ग्रामीणों की मदद से खंडी को बंद कराने की कोशिश की, तब तक किसानों की फसलें जलमग्न हो गई। अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह ने राजस्व टीम को निरीक्षण कर किसानों के हुए नुकसान का अनुमान लगाने के निर्देश जारी किए हैं। फिर कैसे बंद कराएंगे आप ही लोगों ने? बंद कराइए आप। कितनी फसल जलमग्न हुई है? कम से कम 6-7 बीघा हो जाएगा। काहे काहे की फसल है? गेहूं की है, लाह की है। ये नहर से पानी चला है, निचली गंगा नहर से, ये खंडी रात में किसी तरह से कट गई है नहर, ज़्यादा आने के कारण से। उसमें जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पानी, तब फिर सब लोग भागे, देखा, सबको फोन किया चारों तरफ से। कितने बीघा फसल जलमग्न हुई होगी? जलमग्न हो गई है करीबन ऐसे मान के चलिए करीब 300-400 बीघा। खंडी भाई थी साहब। कैसे? अब पता नहीं कैसे खंडी हो गई है। काहे में? नहर में। अच्छा, कितनी फसल होगी आपकी? हमारी तो बहुत होगी फसल भाई, सब डूब गई। कल रात को एक सूचना मिली थी की गड़रिनपुर पूर्वा कन्हो में तहसील गुरुना के अंतर्गत कोई खंडी कटी है, और इससे नहर का कटान होने के चलते गांव में पानी काफ़ी जा रहा है। इसके चलते जैसे सब सूचना मिलने पर तत्काल ही प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम और हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी, आलाधिकारी मौके पर पहुँचे, और रात में हम लोगों ने पूरी रात उसमें लगकर अपने जेसीबी वगैरह अरेंज कराकर और लोकल लोगों की मदद लेके उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने बंद करवा दिया है। वर्तमान में किसी प्रकार का जो कटान था जो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जो भी फसलें का नुकसान हुआ है, तकरीबन 3 गाँव में थोड़ा थोड़ा प्रभाव इसका दिखा है, कन्नों में है, जैसे गड़रिन पूर्वा में है, कौशलपुर में है, इन सभी में इसका हम लोगों राजस्व टीम के द्वारा इसका आकलन कराया जा रहा है, और आकलन कराने के पश्चात इसमें जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो सकेगी या मुआवजे की जो कार्रवाई होगी वो हम लोग जरूर इसको पूरा करेंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गाजीपुर पुलिस ने नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी है। इस दौरान पुलिस टीम ने नकली नोट छापने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के आरटीआई ग्राउंड के पास से जाली नोट छापने और सर्कुलेट करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश जाली करेंसी छापने, सर्कुलेट करने के गोरख धंधे में लिप्त थे। पुलिस ने बदमाशों से जाली करेंसी छापने में इस्तेमाल प्रिंटर और पेपर बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी बदमाश गाजीपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने शहर के आरटीआई ग्राउंड के पास जाली करेंसी तैयार करने का ठिकाना बना रखा था। साथ ही ये भी सामने आया कि जाली करेंसी के गोरख धंधे में लिप्त इस गैंग का सरगना और मास्टरमाइंड बिहार के गया जिले का रहने वाला सुरेश रजक है, जो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। कार्य किया है, पिछले दिनों काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि नकली नोटों का प्रचलन चल रहा है, इस पर हमारी टीमें काम कर रही थी। कल ये जानकारी मिली थी कि शहर गाजीपुर में ही कुछ लोग नकली नोट बनाने का और उन्हें सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर संयुक्त टीम द्वारा हमारे क्षेत्राधिकारी नगर गौरव कुमार के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चला। इस पूरे ऑपरेशन में 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, और जो नोट बना भी रहे थे रायबरेली की उचाहार तहसील में प्रशासन ने 25 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। दरअसल प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम सभा दूता में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर भू माफियाओं के द्वारा खेती की जा रही थी, जिसको लेकर तहसील प्रशासन उचाहार सजग हुआ और दल बल के साथ SDM उचाहार आशीष मिश्रा और तहसीलदार उचाहार अजय कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने कब्जे की जमीन को चिन्हित कर उसे मुक्त कराया और उसे उसके असली मालिक को सौंप दिया। गौशाला के लिए हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, हमारी गौशालाओं की भी समस्याएं हैं,
इस क्रम में हम लोगों ने आज जो है काफी जमीनें चिन्हित की हैं और इसी क्रम में एक गाटा संख्या है 364 है, 341 है, 342 है। ये लगभग 10 बीघे जमीन है जिस पर जो है यहाँ के कुछ अवैध कब्जेदारों ने जो है जमीन कब्जा किया था, इसको आज खाली करवाया गया है और खाली कराकर ग्राम प्रधान को सपोर्ट दिया गया है कि अपनी जो है। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 15 साल की लड़की को रौंद दिया। घटना में लड़की की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुराई बाग स्थित रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां 15 साल की एक लड़की सड़क के किनारे साइकिल से जा रही थी, तभी अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम लड़की को टक्कर मार दी। टक्कर से लड़की की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। लड़की की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर में थाना बंडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताते चले कि जनपद शाहजहांपुर में एसपी एस आनंद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पूरे जिले में अपराध के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। ठगों ने बताया कि वो दूसरे की गाड़ी का पैसे देने का लालच देकर लेते हैं, फिर कागज के साथ खिलवाड़ करके दूसरे आदमी के पास गिरवी रखकर पैसे लेते हैं। पुलिस को उनके पास से कई लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पूछताछ के दौरान अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जो लोगों से चार पहिया वाहन जिनके पास हैं उनको किराए पे चलाने के नाम पर लेता था कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसके पश्चात कुछ समय तक उनकी जो किराया है वो अदा करने के बाद उन वाहनों को या तो वो गिरवी रख देते थे पैसे लेकर और या तो उन्हें बेच देते थे। तो इस तरह की एक सूचना 112 के माध्यम से कुछ समय पूर्व मिली थी थाना बंडा पे किसी एक गाड़ी के लोकेशन के संबंध में, जिसको डेवलप करते हुए ये कार्रवाई थाना बंडा पुलिस द्वारा की गई और कल इसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक डग्गा मार बस बनोटा पुल के पास ओवरटेक के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई। इस बीच यात्रियों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने ये नजारा देखा तो जल्दी से बस में यात्रियों को बाहर निकाला। यात्री काफी घबराए हुए थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस में सवार यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद सभी यात्रियों को दूसरी बस से संभल के लिए रवाना किया गया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।